Keep it up. Keep it up. Thank you very much. Thank you. Have a nice day. Okay. السلام علیکم، 19 تاریخ، بالی انڈونیشیا میں اس وقت میں پہنچ چکا ہوں ہوشینویا بالی ہوٹل، ایک لگژری ہوٹل ہے، ویلا ٹائپس کے روم ہیں یہاں پر، بڑے کشادہ، ساتھ میں سوئمنگ پول، گزیبوز اور بہت کچھ ہے۔ جو بھی بڑے ایلیٹ کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، سٹار ماڈلز جو کہ ہائی کلاس ہوتے ہیں، وہ اسی طرح جگہ آتے ہیں، سیف ہوتے ہیں، فیملی کے ساتھ بڑا انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور کیا اسپیشلٹی ہے اس طرح ہوٹلز میں، میں آپ کو دکھاؤں گا۔ ہوشینویا کدھر کن نظاروں میں بنایا ہوا ہے، یہ تو تب پتہ چلے گا جب تھوڑے ڈرونز کے شاٹ میں ایڈ کروں، تو آئیے دیکھتے ہیں ڈرونز کے شاٹ۔ یہ ہے ان بڑی لگژری ہوٹلز کے مزے۔ گزیبو میں میرا بریک فاسٹ تیار ہے، چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں میرا بریک فاسٹ کس طرح ہوگا ہوشینویا بالی میں۔ چلتے ہیں اندر۔ یہ گزیبو کا ماحول آپ دیکھ لیں، اور بریک فاسٹ کی سرونگ ان کی دیکھ لیں، ایک خاص لک ہے جاپنیز کا، جاپنیز بریک فاسٹ کا۔ تو ٹیسٹ بھی ہم کریں گے اور مزید بھی آپ کو دکھائیں گے یہ بیوٹی۔ روم میں تھوڑا آرام کیا اور اب چلتے ہیں، انڈونیشین ٹریڈیشنل ڈانس ہوگا ہوشینویا ہوٹل میں، تو ہم بھی دیکھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں، تو لیٹس انجوائے ٹوگیدر۔ We want to know about this culture. How long before Indonesia follow this culture? This culture is very long time ago, when the Bali have the ceremony, like the paket, you know, when have the ceremony, and then we did the like the masker dance like this, father, my grandfather, they did it like this. السلام علیکم، گڈ مارننگ۔ 20 تاریخ، بالی انڈونیشیا میں بریک فاسٹ کریں گے، ہوشینویا ہوٹل سے فارغ ہوں گے اور آج کا دن بھی بڑا رنگین ہوگا۔ تو کس طرح ہوگا ہمارا آج کا دن، بریک فاسٹ کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے، تب تک رہیے میرے ساتھ۔
रोड नीचे से ऊपर जो आया है सारा मलमजबा या मरी जैसा रोड है। नज़ारे भी आप देख सकते हैं, इलाका बहुत ग्रीन है, सरसब्ज इलाका है और हर कोई आना चाहेगा। जब ये सीनरी हो इंडोनेशिया बाली में तो हर कोई चाहेगा कि आए बाली। उबुद से 3 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुंच गए एक टेंपल, बड़ा मशहूर है हेवन गेट। तो चलते हैं, ये टेंपल हम आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये आप देख लीजिए इंडोनेशिया का एक मशहूर तरीन टेम्पल। ये तस्वीर आपने अक्सर देखी भी होगी मुख्तलिफ दीवारों पर। हेवन गेट इसको कहते हैं, यानी जन्नत का दरवाज़ा। इनका अकीदा है बुद्धा जो कि यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर लोग स्पेशली आते हैं तस्वीर बनाने के लिए। जो गेट आपको नज़र आ रहा है जिसको हेवन गेट कहा जाता है, इसमें तस्वीरें बनाते हैं। और हमारा नंबर है 305। तो लोग सुबह सवेरे इतना ज़्यादा आ गए हैं कि आप अंदाज़ा लगा ले ये जगह कितनी मशहूर है। तो यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आते हैं बाली, ये जगह लाजमी देखते हैं। अच्छा, हेवन गेट से तकरीबन 2 घंटे ड्राइव की हमने और पहुंच गए। यहाँ भी है एक आबशार, और ये आबशार उससे मुख्तलिफ है जो कि इससे पहले व्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो चलते हैं, देखते हैं किस तरह है और क्या स्पेशलिटी है, क्यों लोग यहाँ पर ज़्यादा आते हैं। हम भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। और जितना अंदर हम आए इन पहाड़ों में, तो हमारी कोशिश ज़ाया नहीं गई। फिलहाल हम पहुंच गए उस आबशार, और आप देख लीजिए हम जाएंगे करीब। बहुत ही एडवेंचर ट्रिप है, दुश्वार गुजार रास्तों से गुजरना पड़ता है, मुख्तलिफ जगहों से आबशारें गिर रही है और सयाह भी ढूंढ रहे हैं आबशारों को यहाँ पर। मुख्तलिफ साइड्स हमें जाना पड़ता है। इस वक्त हम पहुँच गए केव्स, और इस केव्स में भी अंदर एक आबशार है। तो चलते हैं, वो भी देखते हैं और आपको दिखाते हैं। इस तरह नैरो रास्तों से हमने गुजरना पड़ता है, और फिर आगे आगे जाकर हमें इस तरह नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से हम आगे बढ़ रहे हैं, और कोशिश है कि उस हिडन आबशार तक पहुंच जाए। इसके लिए तकरीबन हम इन पहाड़ों में 40 मिनट पैदल आए हैं, और उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा।
इन हसीन नज़ारों में। यह स्पॉट बनाया गया हुआ स्पेशली फोटोग्राफी के लिए। हम थक गए आपके लिए व्लॉग बनाते बनाते, तो एक ऑरेंज का जूस तो बनता है हक, जूस पियेंगे और इसके बाद फिर कंटिन्यू रखेंगे अपने ब्लॉग को। रहिए मेरे साथ। और अब बारी है थोड़ा सी फूड खाएंगे, काफी दिन हुए सी फूड नहीं खाया, तो चलते हैं ट्राई करते हैं सी फूड और आपको भी दिखाएंगे। अच्छा, ये आप देख सकते हैं डिनर का टाइम है, सी फूड के रेस्टोरेंट में आए हैं और ये फिश भी आप देख रहे होंगे कि बड़ा अजीब और गरीब है, लेकिन है वैसे बड़ा टेस्टी। तो डिनर होगा और डिनर के बाद फिर जारी रखेंगे अपने व्लॉग को, तब तक इंतज़ार कीजिए।